नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा चिंतन यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि आपके कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, यूपीएसआई एग्जाम, यूपी ट्रिपल एससी के। इन तमाम प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। आपका यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, यूपी ट्रिपल एससी का लेखपाल भर्ती 19 जून को होगा। तमाम यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो है परीक्षाएँ कराई जाती हैं जहाँ पर हिंदी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं टॉप 30 जो कि आपके कम्पिटेटिव एग्जाम के डिस्कोर्स महत्वपूर्ण हैं। इससे आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी कितनी तैयारी है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपका कितना स्कोर आता है। और जो अभी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लास्ट में लाइक करें, और कमेंट करके कोई सजेशन है वो भी आप बताएँ जिससे हम अगले वीडियो में जो है संशोधन करके अच्छे से मोटिवेट होकर आप लोगों को इस वीडियो लेकर आएँ। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो पहला क्वेश्चन है, हिंदी की उत्पत्ति जो है वो किस अपभ्रंश से मानी जाती है? सौरसेनी, मगधी, ब्रज, ब्राजर। तो ये यूपीएसआई एग्जाम 2017 के शिफ्ट 3rd में जो है पूछा गया था। तो इसमें आयोग के द्वारा जो माना गया था वो दोनों ऑप्शन जो दिए गए हैं सौरसेनी और मगधी, दोनों को माना गया था। तो हिंदी की उत्पत्ति जो है वो सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है, लेकिन जो यूपीएसआई आयोग के द्वारा माना गया था वो दोनों ऑप्शनों को माना गया था। इसमें ए भी दोनों आयोग के द्वारा जो माना गया था, ए और बी दोनों सही थे। अगले प्रश्न की तरफ अगर हम लोग बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि आँख खोली देखो तो ना डॉट डॉट है ना डॉट, कवि देव की इस पंक्ति में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तीन रिक्त स्थानों में आप क्या भरेंगे? साहिब मुसाहिब, बी है मदन महीप, सी है भगत भगवान, डी है घन घनश्याम। तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, घन और घनश्याम भरा जाएगा। पहले में घन हो जाएगा और दूसरे में जो है घनश्याम हो जाएगा। तो यहाँ फिल करने वाला जो है पूछा गया है, फिल करने में कौन सा होगा, तो डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि भवानी शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या है? भवानी शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? ए है भवानी, बी है भगवान, सी है भगवती एंड डी है भव। तो यहाँ पर पुल्लिंग पूछा जा रहा है। भवानी ये स्त्रीलिंग हो गया, भगवती जो है ये भी स्त्रीलिंग है। अब आपके पास 2 ऑप्शन बच रहे हैं, भगवान और भव। तीन में से भवानी का पूछा जा रहा है पुलिंग क्या होगा, तो भव हो जाएगा। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 3 में 4 वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं, यह क्या विशेषता बताई जा रही है? स्थान की विशेषता बताई जा रही है, या बी है स्वाद की विशेषता बताई जा रही है, सी है गंध की विशेषता बताई जा रही है एंड डी है दशा की विशेषता बताई जा रही है। तो इलाहाबादी अमरूद जो हैं वो मीठे होते हैं, यहाँ पे अमरूद यानी स्वाद की विशेषता बताई जा रही है, बी वाला ऑप्शन होना चाहिए। लेकिन आयोग के द्वारा जो है ए को भी राइट माना गया था और दोनों ऑप्शन जो था उस पर नंबर दिया गया था। तो यहाँ पे इलाहाबादी अमरूद सब मीठे होते हैं, दोनों ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट माना गया है। तो लेकिन जो होना चाहिए था वो बी वाला ऑप्शन होना चाहिए था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि होता है, व्यंजन संधि होता है, यण संधि होता है। तो ये तो हमने बता ही दिया आपको, यहाँ पे वही पूछा गया है कि तीनों व्यंजन एक ऑप्शन में दिया गया है स्वर संधि, उसके बाद के कौन कौन से हैं, तो व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये 3 जो है आपके होते हैं संधि के भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में जो होते हैं स्वर के मिलने से बनते हैं, दोनों स्वर जो हैं वो मिलते हैं पहला पद और अंतिम पद, तो वहाँ पे स्वर संधि होती है। व्यंजन में व्यंजन लगा होता है, विसर्ग में जो है विसर्ग का चिन्ह लगा होता है, तो वहाँ पे विसर्ग संधि हो जाती है। यहाँ पे संधि के भेद के बारे में पूछा गया है, तो 3 सी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि सौमित्र शब्द निम्न में से किसका समानार्थी है? लक्ष्मण का, बी है अर्जुन का, सी है राम का एंड डी है भीम। सौमित्र शब्द जो है वो लक्ष्मण का है, राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 6 में ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, सौमित्र शब्द जो है वो लक्ष्मण का समानार्थी शब्द है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि प्रेरणा स्टूडियो जाएगी में काल का भेद बताइए। आपके काल से रिलेटेड भी प्रश्न जो है कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। सामान्य भविष्य काल होता है, वर्तमान काल, भूतकाल, 3 काल होते हैं, इनसे भी रिलेटेड जो है आपके कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्रेरणा स्टूडियो जाती है, यहाँ पे जाएगी बताया जा रहा है कि भविष्य में जो है यहाँ पे जाएगी लगा हुआ है, जहाँ पे कागेगी लगा रहता है वो भविष्य काल हो जाता है। तो यहाँ पे प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, तो ये समान भविष्य काल यानी आगे जो समय आने वाली है उस समय जाएगी,
तो बी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, संयोग शब्द में उपसर्ग एवं मूल शब्द कौन से हैं। संयोग में ए ऑप्शन है स प्लस योग, बी है सह प्लस योग, सी है सन प्लस योग एंड डी है सम प्लस योग। तो मूल शब्द और उपसर्ग, उपसर्ग जो होते हैं शब्दों के पहले लगते हैं, प्रत्यय जो होता है शब्द के बाद में लगते हैं। तो यहाँ पे संयोग जो है वो सम प्लस योग से मिलकर बनता है, तो योग जो है ये मूल शब्द हो जाएगा और सम जो है ये उपसर्ग है, तो ये दोनों जुड़ के जो है एक नए शब्द बनाते हैं संयोग। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 8 में डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न जो पूछा जा रहा है यहाँ पे अलंकार से रिलेटेड है। जहाँ एक शब्द से अनेक अर्थ निकले वहाँ कौन सा अलंकार होता है। उपमा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है। जहाँ एक शब्द से अनेक अर्थ निकले वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 9 में बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है कि तीन बेर खाती थी तीन बेर खाती है, यह किस अलंकार का उदाहरण है। तो यहाँ पे तीन बेर बेर जो है यहाँ पे एक बेर जो है ये समय से रिलेटेड है और तीन बेर खाती थी यहाँ पे दो चीज़ें दी जा रही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में जो राइट हो जाएगा यमक अलंकार हो जाएगा। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 10 में डी वाला ऑप्शन होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि रामू की तो ऐसी आदत हो गई है कि गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचे, वाक्य में प्रयुक्त लोकोक्ति का अर्थ क्या है। भलाई पर भी दुष्टता, बातें करते रहना, सी है परेशान करना, एन डी है व्यर्थ की डींगे हाँकना। तो यहाँ पे रामू की तो ऐसी आदत हो गई है कि गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचे, यानी आपके घर में बैठ के आपकी ही बुराई करे। तो वो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ए वाला ऑप्शन जो दिया गया है कि भलाई पर भी आप उसकी भलाई करेंगे तो वो आपके साथ दुष्टता कर रहा है, तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 11 में ए वाला ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है कि गौ शब्द का वचन पहचानिए। इसमें से गौ शब्द का वचन कौन सा होगा। एक वचन होगा सदा बहुवचन में होता है, सी है बहुवचन, एन डी है सदा एक वचन। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो होगा गौ शब्द जो है वो एक वचन है, तो क्वेश्चन नंबर 12 में ए वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि हमारा समाज उन्नत के पथ में है, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। संज्ञा, लिंग, कारक, वचन। हमारा समाज उन्नति के पथ में है, यहाँ पे जो है कारक से संबंधित इस वाक्य में अशुद्ध जो है वो कारक से संबंधित है। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 13 में सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, कारक से संबंधित इस वाक्य में अशुद्धियाँ पाई गई हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है कि कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना, इस वाक्य के लिए उचित मुहावरा चुनिए। क्वेश्चन नंबर 14 में ए वाला ऑप्शन जो है गढ़ जीत लेना राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर ए। नेक्स्ट जो है कि एक तो करेला दूजा नीम पर चढ़ा, ये कहावत आप लोगों ने सुनी होगी लोकोक्ति। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 15 में सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, एक तो करेला दूजा नीम पर चढ़ा। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 15 में सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि कवि का सही बहुवचन रूप बताइए। कवि वृंद, कविगण, कविजन, कविवर्ग। कविवर्ग तो होगा नहीं और कविवृंद भी नहीं होगा। कविजन और कविगण में आपको दो ऑप्शन बच रहे हैं, यहाँ पे कवि का सही बहुवचन जो होगा वो हो जाएगा कविगण। राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 16 में बी वाला ऑप्शन जो है दिया गया है राइट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, मुदित महीपत मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार बताइए। ये बहुत ही फेमस अलंकार जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में राइट आंसर जो है सी वाला ऑप्शन अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। यहाँ पे एक ही वर्ड बार बार आ रहा है, मुदित महीपत यहाँ पे कई बार आ रहे हैं, तो इसलिए जहाँ पे एक ही शब्द कई बार आए और वहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाता है। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 17 में सी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। 200 वैष्णवन की वार्ता के रचनाकार गोकुल दास हैं। 50,000, 30,000 तो 252 वैष्णवन की वार्ता के रचनाकार जो हैं वो कौन हैं, गोकुल दास हैं। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 18 में डी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर है। तो वीडियो को एक बार आप सभी लोग ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए।
चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उषा उदास आती है में कौन सा अलंकार है? संदेह, विभावना, उपमा, मानवीकरण। तो उषा उदास आती है, यहाँ पे न कि संदेश होगा, यहाँ पे कोई संदेश देने का कार्य नहीं हो रहा है, विभावना भी नहीं होगा, उपमा तो दिया नहीं जा रहा है, तो जो बच रहा है आपका डी वाला ऑप्शन बच रहा है, मानवीकरण अलंकार इसमें है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में उषा उदास है में अलंकार मानवीकरण अलंकार है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वर्तनी से रिलेटेड भी आपका प्रश्न जो है पूछा जाता है कि वर्तनी को जिससे शुद्ध शब्द छाटिए, अभिराम, अभिराम, अभिरम, अभिराम। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 20 में डी वाला ऑप्शन है, अभिराम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 में डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि 21 वाला क्वेश्चन, मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? जिज्ञासु, कर्मठ, उत्सुक, मुमुक्ष। तो मोक्ष की इच्छा रखने वाला जो होता है मुमुक्ष कहा जाता है, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में डी वाला ऑप्शन जो दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, सिक्का जमाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो सिक्का जमाना मुहावरे का अर्थ जो हो जाएगा, सफलता प्राप्त करना, जीत जाना, प्रभाव स्थापित करना, डी है कड़ी टक्कर देना। तो क्वेश्चन नंबर 22 में सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, प्रभाव स्थापित करना। सिक्का जमाना आप लोगों ने सुना होगा, काफ़ी लोग बोलते हैं सिक्का जमा लिए हैं तो प्रभाव जो है वो अपना स्थापित कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 में सी वाला ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। जो अभी लोग नए हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मोटिवेशन मिलता रहेगा, तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप लोगों के बीच उपलब्ध कराया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 में सी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर है। अगला जो है गद्यांश से रिलेटेड आपके कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, यूपी ट्रिपल सी पेट का एग्जाम हो तो वहाँ पर भी प्रश्न में पूछा गया है। तो गद्यांश के आधार पर प्रश्न के उत्तर देना है आपको। विज्ञापन आज के औद्योगिक युग में बहुत महत्व रखते हैं, व्यापारी के नज़रिए से भी और आम जनता के दृष्टिकोण से भी। विज्ञापन व्यापारियों को लाभ देने के प्रयत्न हेतु तैयार किए जाते हैं, जबकि विज्ञापनों पर होने वाला संपूर्ण खर्च उपभोक्ताओं पर ही परोक्ष रूप से पड़ता है। वस्तु की लागत बढ़ जाने से उसके मूल्य में भी वृद्धि हो जाती है। तब इससे रिलेटेड आपका प्रश्न नीचे दिया जा रहा है और उन प्रश्नों का आपको आंसर जो है इस गद्यांश से देख कर देना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 जो पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा उपभोक्ताओं को परोक्ष रूप से शोषण किया जा रहा है? व्यापारी द्वारा, वस्तु द्वारा, विज्ञापन द्वारा, एनडी है कर्ज द्वारा। तो ये आपने देखा विज्ञापन आज के औद्योगिक युग में महत्व रखते हैं और विज्ञापन व्यापारी को लाभ देने के प्रयत्न तैयार किया जाता है, जबकि विज्ञापनों का परोक्ष रूप से जो है प्रभाव जो है संपूर्ण खर्च का वो पड़ता है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 23 में राइट आंसर होगा। नेक्स्ट जो है कि विज्ञापन किसके लिए लाभदायक होता है? बाजार के लिए, व्यापारी के लिए, आर्थिक लाभ के लिए, डी है उपभोक्ता के लिए। तो विज्ञापन आपने अभी देखा ऊपर व्यापारी के लिए लाभदायक होता है, व्यापारी जो है अपनी प्रोडक्ट का जो है प्रचार कराते हैं, प्रमोशन कराते हैं विज्ञापन के माध्यम से। तो क्वेश्चन नंबर 24 में राइट आंसर जो है बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा जा रहा है कि आज के औद्योगिक युग में किसका महत्व जो है वो बढ़ता जा रहा है? विज्ञापन के प्रचार प्रसार का, वस्तुओं की लागत का, वस्तुओं की गुणवत्ता का, डी है वस्तुओं की मूल्य का। राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 25 में आज के औद्योगिक युग में विज्ञापनों का प्रचार प्रसार जो है काफ़ी बढ़ गया है। आप लोगों ने देखा होगा पेड प्रमोशन भी कुछ यूट्यूब वाले भी करते हैं चैनल के माध्यम से, और यूट्यूब हो गया, इसके अलावा पेपर जो होते हैं वहाँ पे भी, और न्यूज़ चैनल यहाँ पे देखते हैं प्रचार प्रसार जो है व्यापारी के द्वारा अपने प्रोडक्ट का कराया जाता है। तो आज के औद्योगिक युग में जो है विज्ञापनों के प्रचार प्रसार जो है वो बढ़ गए हैं। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 25 में डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, इनमें में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता है? बोलियां, देश, नदियां, भाषाएं। स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता है मतलब इनमें में से आपको पुल्लिंग वर्ड जो है वो आपको पहचान करना है। नदी जो है वो स्त्रीलिंग है, भाषा जो है स्त्रीलिंग है, बोलियां जो हैं वो भी स्त्रीलिंग है, इसमें में से जो पुल्लिंग बच है वो है देश। तो यहाँ पे स्त्रीलिंग की पहचान जो है वो देश नहीं कराता है। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 26 में बी वाला हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए। वे लोग जा रहे हैं, उसे जल्दी घर जाना था, मुझे वहाँ नहीं जाना है, पिता ने मेरे से कहा। तो क्वेश्चन नंबर 27 में राइट आंसर जो है डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, पिता ने मेरे से कहा। अशुद्ध वाक्य आपको पहचाना है, यहाँ पे होना चाहिए था पिता ने मुझसे कहा।
यहाँ मेरे की जगह पे जो है मुझसे होना चाहिए था, इसलिए इसमें राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 27 में डी वाला ऑप्शन जो है अशुद्ध है। बाकी सभी जो हैं वे लोग जा रहे हैं सही है, उसे जल्दी घर जाना था ये भी सही है, मुझे वहाँ नहीं जाना है ये भी सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बंधन शब्द का उचित विलोम शब्द कौन सा होगा? बंधन जो है कैद करना यानी बांधना हो जाएगा, स्वतंत्र होगा मुक्ति होगा बंदी होगा, तो बंधन का जो हो जाएगा मुक्त हो जाएगा। सभी लोगों को मालूम है विलोम से भी प्रश्न जो है आपके कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये हो गया। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा कथन अशुद्ध है? कल लोगों की भाड़ जाए जब भीड़ जमेगी, जगह यहाँ पे देखे भाड़ जमेगी, शायद बारिश हो रही है, कहाँ जाना है, हमारे पास समय कम है। तो राइट आंसर जो है ये वाला हो जाएगा, यहाँ भीड़ भाड़ नहीं भीड़ होना चाहिए था। तो क्वेश्चन नंबर 29 में ये वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे भीड़ होना चाहिए था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, ये सभी लोगों को मालूम है बीजक के रचनाकार कौन है? कबीर दास हैं। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 30 में बी वाला ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण दो एक दो क्वेश्चन जो हैं हम पूछते हैं, आपको कमेंट करके बताना है उनके आंसर, तो उनके बारे में। तो चलिए जो पहला क्वेश्चन है आपको बताना है, मधुशाला के रचनाकार कौन है? चार ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, बी है सूरदास, सी है महादेवी वर्मा, एंड डी है हरिवंश राय बच्चन। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें में से आपको कमेंट करके बताना है। प्रश्न एक बार फिर से दोहरा देते हैं, मधुशाला के रचनाकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, सूरदास, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन। दूसरा जो क्वेश्चन है कि मैला आंचल के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, फणीश्वर नाथ, सिया राम शरण गुप्ता, गोपाल सिंह नेपाली। तो ये तो क्वेश्चन है, इनको कमेंट करके आपको बताना है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।